हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामारी सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ आरआरबी के इम्पोर्टेंट डेली जीके कैप्सूल्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी का बहुत सारा पोस्ट निकल रहा है, बात करें आरआरबी एनटीपीसी का या आरआरबी, आज भी एक पोस्ट निकला है मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड, जिसमें करीबन 1400 वैकेंसी है। अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उसी के एग्जाम से रिलेटेड। मैं आपके लिए डेली जीके ला रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जिसने भी पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, वो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, पहले के वीडियोस को जाके देख सकते हैं। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं टॉप 10 क्वेश्चंस को, जो कि आज के टॉप 10 क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहां स्थित है। द ऑप्शन इज ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी बांग्लादेश में, डी तिब्बत में। आपको 4 से 5 सेकंड दिया जाएगा। यू कैन गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स में आप आंसर को लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान में, इन द पाकिस्तान। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा या पढ़ सकते हैं, जिसने नहीं पढ़ा है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। स्थल सेना के निम्नलिखित पदों में सबसे छोटा कौन सा है? द फर्स्ट ऑप्शन इज ए लेफ्टिनेंट, बी ब्रिगेडियर, सी कर्नल एंड डी कैप्टन। इसका सही जवाब होगा, दूसरे का सही जवाब होगा ए लेफ्टिनेंट, इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, इसका आंसर देना है। फ्रेंड्स, सार्क से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर बात करें सार्क की फुल फॉर्म की, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फ्रेंड्स, इससे भी पूछ सकता है आपका कि आर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिए रीजनल, क्षेत्रीय। सी का मतलब क्या होता है, तो कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क का यह भी होता है कि हेडक्वार्टर कहां पे है, तो सार्क का हेडक्वार्टर आपका नेपाल काठमांडू में है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। द फर्स्ट ऑप्शन इज भारत, द सेकंड ऑप्शन इज पाकिस्तान, द थर्ड ऑप्शन इज बांग्लादेश एंड द फोर्थ इज म्यांमार। तो तीसरे का राइट आंसर है, दैट इज डी, म्यांमार। चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। कैंटरबरी टेल्स पुस्तक का लेखक कौन है? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बुक से पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि एग्जाम्स में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपसे यहां पूछ रहा है कैंटरबरी टेल्स पुस्तक का लेखक कौन है। द ऑप्शन इज ए जियोफ्री चासर, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी गुनार मिंडल एंड डी विलियम शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स, चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जिसका आंसर है जियोफ्री चासर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। किस अंग्रेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप कंप्यूटर जब से स्टार्ट हुआ है, फ्रेंड्स आप स्कूल में भी पढ़ते आ रहे होंगे कि किसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं आप, ठीक है, किस अंग्रेज को कहा जाता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लेज पास्कल, बी लेबनीज, सी चार्ल्स बैबेज एंड डी जेपी एकर्ट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज। चलिए चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति डैश के पदेन अध्यक्ष भी हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं डैश के पदेन अध्यक्ष भी हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन इज पार्लियामेंट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज संघ लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 6 का आंसर होगा 2, दैट इज 6 का बी आंसर हो जाएगा, दैट इज राज्यसभा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? द फर्स्ट ऑप्शन इज ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन इज यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन इज सामवेद एंड फोर्थ ऑप्शन इज अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि वेद 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर होगा 4, अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज डी, अथर्ववेद। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है?
फर्स्ट ऑप्शन इज IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द सेकंड ऑप्शन इज ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन इज IBRD एंड द फोर्थ वन इज यूनेस्को। तो फ्रेंड्स आठवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 का 3 हो जाएगा, दैट इज IBRD। चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे, बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो यू हैव द ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, पहला ऑप्शन है विराटनगर, सेकंड ऑप्शन इज तक्षशिला, थर्ड ऑप्शन इज काशी एंड फोर्थ वन इज मथुरा। आपको बताना है सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्थ मथुरा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 9th का फोर्थ हो जाएगा मथुरा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर पर चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहां है? फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड मध्य प्रदेश एंड फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 10th का 3, दैट इज मध्य प्रदेश MP। तो फ्रेंड्स ये था आज के टॉप 10 जीके के जी अवेयरनेस के क्वेश्चन। फ्रेंड ये मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन को दबाइए कि आपके लिए हम ऐसे वीडियोस रोज ला सके। थैंक यू।